अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में LNG और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए फंड्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए सब्सिडी की मंजूरी का इम्कान है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, इस इजलास के हवाले से अपडेट कीजिए। देखिए, 20 नुकाती एजेंडा है इस इजलास का और सबसे अहम आइटम है 50 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है अब पावर डिवीजन के लिए। इसके अलावा LNG और पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए फंड्स की मंजूरी का इम्कान है। साथ साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए सब्सिडी की मंजूरी दी जाएगी। ये वो सब्सिडी है जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेज में जो डिफरेंस होता है उसकी मद में अदा की जाती है। इसकी मंजूरी दी जाएगी। ये वो सब्सिडी है जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेज में जो डिफरेंस होता है उसकी मद में अदा की जाती है। CPAC के तहत बिजली की पैदावार के मंसूबों के लिए अकाउंट खोलने की मंजूरी दी जाएगी। साथ साथ मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी का इम्कान है। एविएशन की जानब से एक समरी पेश की गई है। आज लीज पर जहाज लिया गया है उसके ऊपर सेल्स टैक्स की अदायगी का मामला है जिसकी मंजूरी होगी। वजीर अजम रिलीफ पैकेज 2020 में तोसी की मंजूरी का इम्कान है और यूटिलिटी स्टोर पर घी की कीमतों के तयन के लिए इक्तिसादी राबता कमेटी जो है वो उसकी मंजूरी देगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।